हे गाइस, आज हम बनाने वाले हैं ओरियो आइसक्रीम कुल्फ़ी। तो आइसक्रीम तो सभी ने बहुत ट्राई की होगी। कभी घर पे ओरियो आइसक्रीम कुल्फ़ी ट्राई की है क्या? अगर नहीं की तो ये वीडियो पूरा देखना और इस रेसिपी को ट्राई करना, और हाँ, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना मेरे साथ इस रेसिपी को बनाने का। तो फिर चलिए बनाते हैं ओरियो आइसक्रीम। तो इसके लिए हम यहाँ पर लेंगे ये ओरियो बिस्किट का पैकेट, छोटा वाला ओरियो यूज़ किया है मैंने यहाँ पर, और साथ ही लेंगे दूध। तो बिस्किट को पैकेट से बाहर हमने नहीं निकालना और ना ही हमें इसे ओपन करना है। ऐसे ही हम बिस्किट को मैश करेंगे किसी बेलन से या फिर किसी भी ऐसे वो होते हैं ना जिससे हम हर्ब्स वगैरह कूटते हैं, मुझे नाम नहीं पता उसका, उससे आप बिस्किट को अच्छे से इस तरीके से कूट लेना। और हाँ, ज़ोर ज़ोर से नहीं कूटना, आराम से मैश करना, नहीं तो ऐसा ना हो कि पैकेट फट जाए और रेसिपी फेल हो जाए। इसीलिए बहुत ही केयरफुली इनका चूरा बनाएंगे। ये देखें, इस तरीके से हम इन्हें कूटते जाएंगे। वैसे सोचने वाली बात है ना, ओरियो से हम कितनी सारी रेसिपीज बना सकते हैं, लाइक ओरियो केक हो गया, ओरियो आइसक्रीम, मतलब चॉकोलावा केक भी अब तो ओरियो से ही बन जाता है, और चॉकलेट बर्फी, चॉकोबार्स, मतलब जो हमने चॉकलेट रिलेटेड कुछ बनाना हो ना तो उसमें ओरियो डाल दो तो बस हो गया काम। ये तो भगवान ने हमें वरदान ही दे दिया ओरियो देके के जाओ बना लो जो बनाना है। अच्छा, आप भी बताओ, अगर आपको कोई और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी पता हो जिसे हम ओरियो से बना सकें तो उसे भी हम ट्राई करेंगे। तो अच्छे से इसे कूट पीट लेने के बाद बाकी जो थोड़े बहुत बिस्किट बचे हैं चूरा बनाने से, उन्हें हम हाथ से ही तोड़ लेंगे। ये देखिए, ऐसे ऐसे करके अच्छे से इन्हें मैश करते जाएंगे। तो पैकेट को खोलेंगे, ऊपर से ही खोलना है बस। ये देखिए, अच्छे से बिस्किट्स का चूरा चूरा हो गया है यहाँ पे। तो पैकेट को खोल लेने के बाद अब इसमें जाएगा दूध, थोड़ा ही डालना है बस, जिससे ये बिस्किट के चूरे को बाइंड कर ले। ये देखिए, बस इतना ही। अब इसे किसी कप में रखेंगे और दूध और बिस्किट को अच्छे से मिला लेंगे। इस तरीके से किसी स्पून की हेल्प से आप इन्हें अच्छे से मिला लेना। बस ये देखिए, अब इसे मिलाने के बाद इसमें कुल्फी स्टिक को सेट करके रख देंगे और फ्रीजर में जमने के लिए रख देंगे। तो अब 3-4 घंटे बाद देखते हैं कि कैसी बनी है हमारी आइसक्रीम उर्फ कुल्फी। केयरफुली इस पैकेट में से इसे बाहर निकालेंगे और ये देखिए, अच्छी बनी है। वैसे आप ऐसे खाना चाहो तो ऐसे ही खा सकते हो, लेकिन मैं तो इसे अपने स्टाइल में कप में डालकर ही लूँगी, और साथ में ऊपर से मेल्ट किया हुआ डेरी मिल्क भी डालेंगे, इससे ये और टेस्टी बनती है। वैसे देखने में कैसी भी हो, लेकिन खाने में बहुत ज़बरदस्त बनी थी। तो फिर आप भी बनाओ इस रेसिपी को घर पे और मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपको ये कैसी लगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वो भी बताना कमेंट सेक्शन में। तो फिर अब वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दो। और हाँ, वीडियोस देखा करो यार, तभी तो मैं मोटिवेट होंगी और रेसिपीज बनाने के लिए। चलो अभी के लिए इतना ही। बाय एंड थैंक यू फॉर योर लव एंड योर सपोर्ट।